जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश, NIS फिजिकल बॉक्सिंग कोच। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियों के बारे में जानकारी देने आया हूँ कि इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियाँ किस लेवल के हिसाब से चल रही हैं और आने वाले समय में किस लेवल के हिसाब से इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स कोटे की भर्तियाँ चलेंगी और जिनकी एज 21 से ऊपर है वो और क्या क्या प्रक्रियाएं कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शंस और भी खुले हुए हैं। तो दोस्त इसके बारे में पूरी A to Z डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर इंडियन आर्मी के बारे में। सबसे एक अहम बात रही इस साल देखने को आया है अभी तक का कि जितने भी स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती आई है सब 16 GD से आई है और जिनकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष रखी गई है। किसी भी प्रकार की टेक्निकल की भर्ती नहीं आई इस बार, किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल जो पद थे उसके लिए स्पोर्ट कोटे की इस बार भर्ती नहीं दी गई, जबकि पिछली बार स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत भर्तियां दी गई थी अभी तक देखने में जो आया। अब फिलहाल उम्मीद है कि ये साल खत्म होने को है, मार्च माह आने वाला है, मार्च में ये साल खत्म हो जाता है होली तक और नया साल शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद बहुत कम है कि इस बार टेक्निकल की भर्तियां हैं, तो उनको निराश नहीं होना है जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी रेलवे की एक वैकेंसी आई है और रेलवे की बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, बैंक में भी आने वाली है और जो अदर हैं अर्धसैनिक बल, पुलिस विभाग, सब में स्पोर्ट कोटे के अंतर्गत भर्तियां बड़ा तेजी से इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले साल की बहुत सारी भर्तियों का जो नियम था पास हो गया था लेकिन भर्तियां नहीं कराई जा सकी क्योंकि COVID-19 था। लेकिन अब बहुत जल्द इन भर्तियों को पूरा कराया जाएगा और आप लोगों को मौका मिला है एक अच्छा कि आप लोग इसमें जाइए, निराश मत होइए, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर 21 वर्ष एज है हमारी तो 20 वर्ष हो गई और मैं कैसे देखूं। तो मैं उनको निराशा दूर करता हूं दोस्त की RPF है और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आपको नौकरी मिल सकती है। और इसके अलावा जो आप देखे होंगे 22 कंपनी में जो 14 वर्ष के नीचे तक 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का ट्रायल होना है, दोस्त अधिक से अधिक उस वीडियो को शेयर करिए कि हो सकता है हमारे जैसे हमारे जो जूनियर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको सामना न करना पड़े और उनको सही जगह मिल जाए, सही पोजिशन मिल जाए कि उनका जीवन अच्छा बन सके। तो दोस्त ये सारी बातें विशेष करके आप लोग के लिए लाया था और किसी भी प्रकार की अगर आप लोग को परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी, परेशान नहीं होंगे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आ रही है स्पोर्ट कोटे की, अभी लगातार आने वाली हैं और आप लोग को सूचना आप लोग के वीडियो के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें कि जितने स्पोर्ट्स प्लेयर हैं अपने चैनल से जुड़ सके और हम लोग स्पोर्ट्स का एक आवाज़ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, जय हिंद जय भारत।